हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी मटेरियल को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद भी जो है बहुत सारे छात्र को अभी तक जो है स्टडी मटेरियल का कोई मैसेज नहीं आया। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ में हम फी रिसिप्ट पे चर्चा करेंगे कि कैसे आप जो है सेकेंड सेमेस्टर का फी रिसिप्ट निकालें। तो दोस्तों, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि एसएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एसएल के वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी नहीं है कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है आपको कब मिलेगा, इसको लेके जो है कोई जानकारी नहीं है। और वो इसलिए जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो बार बार हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि उनका स्टडी मटेरियल जो है कब मिलेगा, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर का और दो तीन क्लासेस जो है हो भी चुका है, लेकिन अभी तक जो है ना तो उन्हें ठीक से सिलेबस पता है और ना ही बुकें मिल पाई है, जिसके कारण वो जो है पढ़ पाएँ, अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और ऐसे में जो है मई में एग्ज़ाम होने वाला है उनका, जो है टेंटेटिव डेट शीट जो भी है वो भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया है। तो उसका सवाल उनका यही है कि जो है कब उन्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसके कारण जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर पाए, क्योंकि इतना लेट होने के बावजूद अगर नहीं स्टडी मटेरियल मिलेगा तो छात्र पढ़ नहीं पाएंगे और इसका जो है खामियाजा उन्हें एग्ज़ाम में भुगतना पड़ सकता है। तो इसी को लेके जो है छात्र बार बार हमसे भी सवाल पूछते हैं और वो नॉर्थ कैंपस में भी जाते हैं और एसएल प्रशासन से भी पूछते हैं कि उनका स्टडी मटेरियल जो है कब मिलेगा, आप हमें बताएं। तो उनका साधारण सा एक ही बात जो है रिपीटेड आंसर होता है कि स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी को लेके जो है आपके पास जो है मैसेज आएगा, उसके बाद ही जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये मैसेज कब आएगा कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है, ना एसएल प्रशासन और ना कोई अधिकारी। तो आज हम इसी के ऊपर में बताएंगे कि आपको स्टडी मटेरियल जो है कब संभावित जो है कब मिल सकता है, क्योंकि हमें भी ठीक से नहीं मालूम कि स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, लेकिन जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं वो इस महीने लास्ट तक या मार्च में मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी तक जो है एडमिशन चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर का। एग्जामिनेशन फीस जो है जिन छात्रों ने सबमिट नहीं किया है वो तो सबसे पहले अपना अभी तक जो है एग्जामिनेशन फीस जो है वो सबमिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही जो है जब ये एडमिशन ख़त्म होगा उसके बाद जो ही है आपको स्टडी मटेरियल शायद मिलना स्टार्ट हो जाए। और इसका डेट जो है वो कोई अलग अलग इसका डेट है, जो लास्ट डेट कब है कोई बता रहा है 20 को है, तो एक कहीं छात्रों को मैसेज आ रहा है कि 28 फरवरी तक आप जमा कर सकते हैं, तो किसी को लास्ट इस महीने लास्ट तक। तो जो मोटा मोटी यही है कि इस महीने लास्ट तक जो है एडमिशन चलेगा, तो आप जल्द से जल्द जो है अपना एडमिशन करवा लें। बाकी उसके बाद भी जो है एडमिशन तो ऐसे चलेगा ही, सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको बाद में भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा फीस चार्ज जो है वो लगेंगे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन जो है वो करवा लें, क्योंकि आपको अगर स्टडी मटेरियल मिलेगा भी तो उसके लिए जो है आपको फी रिसिप्ट सेकेंड सेमेस्टर का मांगा जाएगा। और अगर आपके पास अगर आपने फीस सबमिट नहीं किया है तो आपको जो है स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जो है अपना सेकेंड सेमेस्टर का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी सबमिट कर लें, जिसके बाद जो है आप स्टडी मटेरियल भी ले पाएंगे। तो बाकी यही है कि स्टडी मटेरियल या तो इस महीने लास्ट तक या आपको मार्च में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे जो है फी रिसिप्ट आप निकालें, जिन छात्रों ने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है तो वो छात्र जो है कैसे फी रिसिप्ट निकालें। तो दोस्तों, आपको ये सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, ये लॉगिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। इसमें आपको एसओएल रोल नंबर लिखना है, जो कि आपका एसओएल आई कार्ड पे मिल जाएगा या फी रिसिप्ट पे, और बारकोड लिखना है, बारकोड भी आपको जो है फी रिसिप्ट या आई कार्ड पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ देख के जो है इसमें टाइप कर देना है
दोनों चीज़ SOL रोल नंबर और बार कोड। और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो है आपका प्रोफाइल पूरा खुल के आ जाता है और उसी में जो है आपको फी रिसिप्ट का जो है निकालने का ऑप्शन भी आता है और आई कार्ड का भी। तो आप आई कार्ड निकालना चाहे तो आई कार्ड भी निकाल सकते हैं, बाकी आई कार्ड जो है पुराना ही चलता है तीनों ईयर में, लेकिन फी रिसिप्ट जो है हर एक बार बदलता है, तो आप फी रिसिप्ट ज़रूर निकलवा लें अपना। बाकी यही था इन्फॉर्मेशन आज का। बाकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन यही है कि मोटा मोटी आपका जो है स्टडी मटेरियल इस महीने लास्ट तक या मार्च में जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप बार बार हमसे ये सवाल ना पूछे, कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ही ज़रूर सूचित करेंगे, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास भी यही इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी दोस्तों आपको वीडियो उम्मीद है कि पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।